नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और दूसरे वर्ष की शानदार फ्लावरिंग ये दूसरा वर्ष है केले की। भाई शांतिलाल जी की इच्छा थी कि खेत पर भी थोड़ा जाएं, तो कैसा लग रहा है यहाँ खेत पर? यहाँ के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और यहाँ की तो ऐसा लग रहा है कहाँ आगे। अभी बाहर खड़े हैं, अंदर चलते हैं। ये करी पत्ता है, गन्ना तो खत्म है। और दूसरी वर्ष शानदार पौधे, और ये तीसरी पीढ़ी है। ये जो है पिछले वर्ष बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था और पूरे साल साथ दिया था इन्होंने, और अब फिर तैयार हैं ये। मैं पूरा खेत तो नहीं दिखा सकता हूँ अभी, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर दिखा सकता हूँ। अब मैं आपको जो है ये पौधे रखे हुए हैं, किसी को चाहिए तो यहाँ पौधे भी उपलब्ध हैं। हमको जो है लेबोरेटरी से टिश्यू कल्चर का पौधा जो है वो 15 से 20 रुपये और 25 रुपये तक मिलता है, या फिर कुछ किसानों को तो बेवकूफ़ समझकर कहेंगे 60 रुपये का तक देते हैं वो, लेकिन मैं इसको यहाँ 10 से 12 रुपये तक देता हूँ। जैसे कोई बड़ा पौधा है तो 12 का, और मीडियम है तो 10 रुपये का। वो बढ़िया पौधा, एकदम स्वस्थ पौधा हो। अब प्राकृतिक कृषि से सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग से केला का उत्पादन के बाद ये गन्ना का 2 बार हमने कटाई ले ली है। ये तीसरा वर्ष है, और आप पौधे का तीसरे वर्ष में आप कलर देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल हरा है। इसका मुख्य कारण ये है कि दूसरे वर्ष का इसमें सारा जो काष्ठ था वो इस खेत में ही पूरे में बिछा हुआ है, और आप देखिए वो जो इसे बोलते हैं सजी काष्ठ आच्छादन, ये आच्छादन का जो है अद्भुत परिणाम है कि तीसरे वर्ष भी उत्पादन कम होता दिखाई नहीं देगा, बल्कि बढ़ेगा। और खेत में जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। खेत में जो गन्ने के खेत में आग लगाते हैं, खेत को ही खिलाइए, ये इसका पोषण है, इसका भोजन है, ये यहाँ साक्षात दिखाई देता है। शांतिलाल जी, आप अनुभव बताएं कुछ आपका, क्या पिछले 2 वर्षों से आप इस खेत का विजिट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं? मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं। इनने उत्पाद किया था शुरुआत में ही पहले साल में, तब भी गन्ना अच्छा था और रस पीने आता हूं, गन्ना भी खाया है। दूसरी साल का भी, ये तीसरी साल का भी उत्पाद जिनका अभी इतना हो चुका है, और ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल पद्धति से किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी भी कलर देखोगे गन्ना का तो बिल्कुल हरा है। ये प्राकृतिक पद्धति है पूरी तरह। हाँ, और प्राकृतिक ही वास्तव बिल्कुल वातावरण है यहाँ का। इसमें हर्बिसाइड नहीं लगता है, क्योंकि हर्ब्स हम औषधियों को कहते हैं, और हर्बिसाइड का मतलब जो औषधियाँ ख़त्म करने वाला जो हर्बिसाइड, इसके ना प्रयोग होने से खेत में यहाँ हजारों तरह की प्राकृतिक जो हमारे यहाँ औषधियाँ होनी चाहिए एंटीसेप्टिक त्वचा रोग के लिए, वो सब इस खेत में मिलेंगी। ये प्राकृतिक खेत इसलिए कहूँगा कि यहाँ सारी चीज़ें जो मुख्य फसल है वो मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो हमारे कई जो है रोगों को नाश कर सकती हैं। वो एंटीसेप्टिक बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं यहाँ। ये प्राकृतिक वातावरण दिया गया है इनको, तो हर्बिसाइड से बचें पहली बार, तो उसका मुख्य कारण तो यही है मैं बताऊँगा आप, क्योंकि औषधियाँ खेत से निकल जाएंगी तो हम इन चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। ये प्राकृतिक नियम है, आप इनसे ज़रूर जुड़े रहिए। तो इस तरह की खेती बहुत ज़रूरी है, प्राकृतिक कृषि का प्रकृति से जुड़ा होना सीधी बात, और उसमें जो जो संसाधन चाहिए आप उसमें वो संसाधन सही समय पर सही जगह सही दूरी पर आप लगाइए, आप तो हर साल आपको ये कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ देगी।
बहुत कुछ देगी। जो किसान आजकल ये सोच रहा है कि अब मैं खेती नहीं, अब मैं कुछ खेती नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा मैं, तो वो गलत सोच रहा है उसको। लेकिन रास्ता बताने वाला, उनको समझाने वाला, उनको साक्षात दिखाने वाला, संदीला जी आपके क्या सही बात क्या है किसानों को इस तरह? किसानों को सही पद्धति से कार्य करना चाहिए तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म से लोग अच्छा मुनाफा पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमको नवंबर से हमको मिलना शुरू हो जाता है ये, और अभी तक जैसे आज तारीख कितनी है, 20 जुलाई है आज, 19 जुलाई, हाँ तो आज 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई तक ये हमको गन्ना दे रहा है जिससे हम राब बना पा रहे हैं। अब तक ख़त्म नहीं हुआ, मैंने कहा था लंबे समय तक आपको उत्पादन देता, तो उसका ये कारण भी है। मैं आपको, मैंने जब जैगरी दिखाई थी तो प्राकृतिक कृषि में किस तरह हम ज़्यादा उत्पादन लें, तो उसका ये परिणाम है। तो हमने पूरा जब तक लेकर रस तो लगातार बेचा है कुछ दिनों छोड़ के, लेकिन फिर भी गन्ना काफ़ी उत्पादन था दूसरी वर्ष में, तो इस समय तक उपलब्ध है वो, जिससे हम राब भी बना पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये और आजमा सकते हैं, इसको समझा सकते हैं किसानों को, और मेरी जैसी संभव मदद हो वो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ।